नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। दिल में है দিদি কে চাই আজকে পেয়ে পদে আমরা কোথাও যেন মনে করেছি যে আমরা কি ভুল করলাম। তা কি বদলা আজকে পশ্চিমবঙ্গে? বদলা এইটাই যে দিদি বদলা দিয়েছে। কি বদলা দেখতে পেলাম না দিদি? একটা চোখ খুলে রাখে আর একটা চোখ বন্ধ রাখে। যে চোখটাতে বন্ধ রাখে কারণ কি? না তিনি কোন হিন্দুদের দেব দেবী মন্দির দেখতে চায় না, বিশেষ করে রাম মন্দির সে যাতে দেখতে না পায় তার জন্য একটা চোখ বন্ধ রাখে। আর একটা চোখ খুলে রাখে কারণ হচ্ছে যাতে মুসলিম ভাইরা যাতে নামাজ পড়তে পারে, তাদের মধ্যে সব কিছু ঠিক আছে কিনা তার জন্য চোখ খুলে রাখে। দিদি আমরা পশ্চিমবঙ্গের মুখে কোনো কারো কিছু হিংসা রাজনীতি করে না। আমরা বাঙালি বিহারি সব আমরা ভাই ভাই। আপনি কি প্রমাণ করতে চাইছেন? আপনি প্রমাণ করতে চেয়ে আপনি কারো কাছে সফল পেলেন নাই, না আপনি মুসলমানের হতে পারলেন না আপনি বাঙালির হতে পারলেন। দিদি আপনার চালাকি সে মানুষ ধরে ফেলেছে। তো আজকে উনি যে বদলা সে বদল কি দেখিয়েছে না? উনি পুলিশ প্রশাসনকে হাতে নিয়ে সে পুলিশ প্রশাসনকে হাতে মুঠায় রেখে আজকে চোখ লাল করিয়ে সবাইকে ভয় দেখিয়ে আজকে ভূত ক্যাপচার করিয়ে আজকে সিন্ডিকেট তৈরি করেছে। কি মনে হয় এই দিদি আমাদের বাংলা করবে? না আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি এই দিদিকে চাই না। আমরা পরিবর্তন করতে পারবো আমরা দেশের ভবিষ্যৎ। আমরা যদি একবার যেন চিন্তা করি যে আমরা দেশের ইয়ং স্টার যারা যুবক তারা আগাম দিনে কোন পথে হাঁটবে। इसके बाद मैं कुलटी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सिद्धेश्वर राय जी से अनुरोध करता हूं दो शब्द कहे। तो क्या है हम लोग दीदी का बस हम लोग एक मेहमान है उसका नजर में हम लोग मेहमान था। बिहारी भाई लोग हम लोग एक मेहमान का तरफ यह पश्चिम बंगाल में आया है। जो चीज बोले थे ये चीज तो हम लोग का मालूम है, वही टाइम में भी आया है। हमारा वोट का देके वोट डाल करके उसको उचित जवाब देना, उसको शौक होना चाहिए। हमारा दिल्ली से जो भी आदमी आता है, नड्डा जी चाहे अमित शाह जी चाहे कोई भी, सबको हम लोग को बोलता है आई लोग सब बहिरा रहता है। तो हम उसके पूछने चाहता है या हम लोग की भारतवासी है ना, हम लोग बांग्लादेशी है ना, हम लोग पाकिस्तान वासी है। हमारा भारतवासी का जो प्रधानमंत्री जी है उसको साथ में बात करने का इसका तमीज नहीं है। वो जब संचार से कई पैसा रुपया यहाँ पर उठा रहता है तो मंच में खड़ा होकर बोलता है जब तू के तू के हिसाब देवो यही तार हमारे मुख्यमंत्री एक भाषा हमारे लज्जा है যে এক মুখ্যমন্ত্রীর মুখ দিয়ে আমরা এরকম ভাষা শুনতে পাই। কুলটি ব্লক থ্রিতে যুবা মোর্চা অধ্যক্ষ শ্রীমান তরুণ পাল জি, বাপা দিত মন্ডল কুলটি ব্লক ফোর কে যুবা মোর্চা অধ্যক্ষ ভাইয়া টিঙ্কু বর্মা জি, সিদ্ধেশ্বর রায় জি আমারে সবসে ভাজপা কে পুরানে কর্মী, মনোজ মিশ্রা জি, মলখান পাসওয়ান জি, সোশ্যাল ওয়ার্কার সুধীর পাসওয়ান জি,
टिंकू पांडे जी और समस्त जितने हमारे मित्र हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि हजारों की संख्या में ये जो आज मोटरसाइकिल सफल हुई है ये श्रेय इन लोगों को जाता है। और कुलटी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए भाजपा कर्मियों को बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस विशाल बाइक रैली में दिल से अपने तह दिल से इस रैली को आयोजन किया अथवा सफल बनाया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात कहना चाहता हूं, कुलटी के विधायक उज्जवल चटर्जी से कहना चाहता हूं, विधायक जी ये तो अभी झांकी है, विधानसभा भी जीतनी बाकी है। और पश्चिम बंगाल में तृणमूल के जितने नेता है, जिस भगवान का नाम और नारा लेने से भूत पिशाच और तृणमूल के नेत्री भागती है, मैं सबसे आह्वान करूंगा कि एक बार हम लोग जोर से इस मंच से चिल्लाएंगे ताकि ममता दीदी के घर और राइटर्स बिल्डिंग में उनके घर तक ये आवाज जाए और उनके घर में जो भूत पिशाच है वो भागना स्टार्ट हो जाए। तो हम लोग दोनों हाथ उठा के बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाइयों, मैं देख रहा हूं मेरे जितने भी युवा साथी है बहुत ज्यादा थक गए हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बस इतनी से बात बोल के आप लोग ठीक से अपने घरों पे जाइएगा, आराम करिएगा। आप लोगों को फिर से तहे दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस रैली का हिस्सा हुआ और नेक्स्ट बार इससे भी विशाल रैली होगी। आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग इसी तरह इस मंच पे आके मन से मन लगा के दिल से दिल मिला के सभी को सब धन्यवाद बोले एवं उनका साथ दें। और हमारे सीनियर लीडर्स सिद्धेश्वर राय दा, इब्रार दा, टिंकू वर्मा दा, इन लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने पिकअप वैन पे बेचारा खड़े खड़े सीतारामपुर से लेकर डिसरगढ़, डिसरगढ़ से लेकर चिनाकुड़ी तक अनाउंसमेंट किया, बहुत धन्यवाद। यही पे रैली जी आज का क्या कार्यक्रम था? आज का कार्यक्रम एक विशाल रैली के आधार पर। इस रैली का उद्देश्य क्या था? इस रैली का उद्देश्य था कुलटी विधानसभा इस बार हम लोग को जीतना है। तो रैली आपने कहाँ से शुरू किया? इस रैली को हमने सीतारामपुर टैगोर मार्ट से स्टार्ट करते हुए चिनाकुड़ी फुटबॉल ग्राउंड में हमने खत्म किया। आपने कहा कुलटी विधानसभा को जीतना है, किस प्रकार जीतेंगे, रणनीति क्या होगी आपको? अभी तो लड़ाई का आह्वान हुआ है, कुछ दिन और रुकिए, बहुत सारे लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। चलिए, अगर आप कुलटी विधानसभा जीत जाते हैं तो कौन सा ऐसा काम है जो यहाँ नहीं हुआ उसको करेंगे आप? हम सबसे पहला काम यहाँ ये करना चाहते हैं कि बीपीएल धारकों को सबसे पहले उनको अपना घर मिलना चाहिए। यहाँ जिन लोगों के पास 3 तल्ला 4 तल्ला बिल्डिंग है, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति है, उनके पास बीपीएल का कार्ड है और वो इस घर का लाभ उठा पा रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो बीपीएल धारक है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। और कुलटी विधानसभा हमारी माँ बहनों के लिए कहीं भी नगरीय क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, पूरे कुलटी विधानसभा में हमारे माँ बहनों के लिए शौचालय कहीं नहीं है, ना एक अच्छा हॉस्पिटल है, ना एक अच्छा स्कूल है। तो सबसे पहला फोकस हम लोगों को इन मुद्दों पर रहेगा। सर, आपका विधानसभा को लेकर लक्ष्य क्या है? एक सप्ताह पहले हम लोग जितने युवा साथी हैं हम लोग कोलकाता गए हुए थे, वहाँ श्रीमान दिलीप घोष जी से भेंट किया और कुलटी विधानसभा के लिए हमने पर्चा भरा। लगभग यहाँ पे 15 से 20 कैंडिडेट है कुलटी विधानसभा में, हमने भी पर्चा भरा। अब पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन एक प्रत्याशी के रूप में हमने भी कुलटी विधानसभा के लिए पर्चा भरा है। जब पार्टी नेतृत्व तो आपको उम्मीदवार खड़ा करे, इसके लिए मतलब क्या आप में उचित होना चाहिए, मतलब ऐसा क्या है जिसमें देख करके आपको पार्टी उम्मीदवार अपना खड़ा करेगी कुलटी विधानसभा से? अब ये बात मैं क्या बताऊँ, ये बात तो आप लोग बता सकते हैं। लगभग 10 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कुलटी में टीएमसी का वर्चस्व था और आज यहाँ धीरे धीरे भाजपा का वर्चस्व हो गया है, तो इसमें सभी कार्यकर्ताओं का हम लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है।
का कार्यक्रम क्या था, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ आज समाप्त हुए? आज का कार्यक्रम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए आज के कार्यक्रम का मैं शुरुआत हमारे सीतारामपुर टैगोर मार्ट से डिसरगढ़ होते हुए चिनापुरी 3 नंबर ग्राउंड में समाप्त हुआ। कितने लोग शामिल हुए इसमें? आज के कार्यक्रम में हमारे कुलटी विधानसभा के हजारों कार्यकर्ता बाइक के द्वारा अपना योगदान दिए और शामिल हुए। इसका मकसद क्या रहा? इसका हमारा मुख्य मकसद था कि कुलटी में भाजपा के शक्ति को विपक्षी हमारे देखे कि हम भी अभी तृणमूल से कम नहीं है, हम आने वाले 2021 में भाजपा के सरकार प्रचंड बहुमत से बनाने जा रहे हैं। आपका नाम और पद? मेरा नाम मनोज मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कुलटी विधानसभा कोकर।